नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल तपिस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक 18.5 इंच का एक मॉनिटर है, VGA मॉनिटर LG का, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका ये मॉडल नंबर है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये फ्लेट्रॉन E1922 है, ये VGA मॉनिटर है। आप देख सकते हैं इसमें क्या है दोस्तों, इसका बैक लाइट ख़राब है, ये बैक लाइट सेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो ये बैक लाइट हमारा नहीं जल रहा है। मैं इसको एक बार टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ, चालू करके क्या प्रॉब्लम है। एडाप्टर लाओ, लगाओ। तो ये देखो मैं इसको कनेक्ट किया हूँ, कनेक्ट करने के बाद इधर मैंने पावर दिया, पावर देने के बाद यहाँ लाइट देख सकते हो, यहाँ कोई हमारा बैक लाइट नहीं जल रहा है। ये दूसरा मैंने लगाया है फ्रेंड, यानी कि इसमें कोई बंदे ने क्या है दूसरा पैनल लगाया हुआ है, और इसमें ये वाला जो है स्ट्रिप लगा दिया है, ताकि ओरिजिनल वाला तो ये वाला है हमारा, ठीक है, कोई यहाँ पर जोड़ा भी गया है। तो मैंने चेक कर लिया, इसका बैक लाइट ओके है, लेकिन यहाँ से क्या है नहीं जल पा रहा है, ठीक है। ये लाइट हमारा आ रहा है और हमारा पैनल VCC भी बन रहा है, मैंने चेक कर लिया, और हमारा कोई बैक लाइट जो है वो ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड हम लोग ज़्यादा माथापच्ची नहीं करते, क्योंकि ये ऐसी से कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होगा बैक लाइट। तो हमारे पास ये एक मल्टी इन्वर्टर आता है, मैं इसके बारे में पहले वीडियो बनाया था, अब नहीं देखें तो जाके मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा। ये इसको कैसे हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे मैं आपको बताते चलता हूँ फटाफट से, और मेरे साथ बने रहिए। तो चलो फ्रेंड मैं बताते चलता हूँ, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक ड्राइवर है, बैकलाइट ड्राइवर, आप सभी लोग जानते होंगे। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इसको कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं, दोबारा बता दे रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पर चार वायर दिया हुआ है, यानी कि टोटल 6 कनेक्टिविटी है, लेकिन वायर 4 है। ये रेड वाला हमारा क्या है, VCC है, और सेकेंड वाले में वायर नहीं है, लेकिन वो भी VCC है। उसके बाद यहाँ पर इनेबल है, एक डिमिंग है, और ब्लैक वाला हमारा ग्राउंड है, ठीक है। तो फ्रेंड VIN का मतलब होता है हमारा VCC, यानी कि इसको 12 से 18 वोल्ट के बीच में हम लोग इसको VCC दे सकते हैं, साथ ही साथ ग्राउंड। ये दोनों देने के बाद हम इसमें एक इनेबल सिग्नल देंगे, ठीक है। अब इनेबल सिग्नल जैसे इसमें हम लोग जोड़ेंगे, अब इसमें हम मेरे VCC कहाँ से फाइंड करूँगा मैं, सिंपल है, यहाँ से कनेक्टर है ये वाला, ये 12 वोल्ट का अडाप्टर यहाँ इनपुट होगा, मैं इधर से दे दूंगा इसको VCC, ठीक है, और ग्राउंड भी यहीं से दे दूंगा। अब इनेबल सिग्नल का बारी आया, तो इनेबल सिग्नल कैसे मैं फाइंड करूंगा, आपको दिख रहा होगा ये MOSFET है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा एक MOSFET है, एक MOSFET में मैं इसको चालू करता हूँ, चालू है हमारा, इसको मैं ऑन करता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया है, ऑन हो गया। अब मैं इसमें चेक करता हूँ कितना वोल्ट बन रहा है इसमें, दोस्तों ये प्रोटेक्शन में चले गया, क्योंकि इसमें क्या है बैकलाइट का भार नहीं पड़ा है, यानी लोड नहीं है, तो ये रिवर्स हो गया, ठीक है। ये हमारा ड्रेन पॉइंट है, ड्रेन गेट ड्रेन सोर्स होता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इसमें, क्योंकि फ्रेंड इसमें ये स्टैंड बैकलाइट हमारा लोड नहीं है, तो पता नहीं चल पा रहा है इनेबल सिग्नल, मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। एक हमारा ग्राउंड है, ठीक है, यानी सोर्स जो होता है हमारा ग्राउंड ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहता है। दूसरा ये हमारा ड्रेन है, ड्रेन तो हमारा कभी मीटर के साथ बताएगा नहीं, लेकिन ये वाला गेट जो रहता है, ये गेट हमारा ही क्या होता है, इनेबल सिग्नल होता है। मैं आपको अभी चेक करा देता, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर बैकलाइट कनेक्टेड नहीं है, तो ये हमारा प्रोटेक्शन में चले जा रहा है, जब प्रोटेक्शन में जा रहा है तो हमारा इनेबल सिग्नल भी यहाँ से हट जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो गेट होता है फ्रेंड, ये हमारा इनेबल सिग्नल होता है, ठीक है। आप वोल्टेज तो कहीं से भी दे देंगे इसको चालू करने के लिए, लेकिन इसको मेन जो होता है इनेबल सिग्नल, जब तक आप इनेबल सिग्नल नहीं जोड़ेंगे तो ये हाई वोल्ट नहीं बनाएगा, हाई वोल्ट नहीं बनाएगा तो हमारा बैक लाइट जो है वो ऑन नहीं होगा। तो फ्रेंड चलिए मैं इसको फटाफट से कनेक्ट कर लेता हूँ, पहले ये मैं VCC दे देता हूँ, एक ग्राउंड दे देता हूँ, और एक इनेबल दे देता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर इसका लिखे रहता है VIN, ठीक है, ये इनपुट सप्लाई है, साथ ही साथ यहाँ पर एक इनेबल है। डिमिंग फ्रेंड हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, और डिमिंग का ज़्यादा काम भी नहीं आता है, क्योंकि जब इनेबल देने के बाद हमारा बैकलाइट कुछ कम जल रहा है, या ब्लिंक कर रहा है, या नहीं आ रहा है, उस केस में हम डिमिंग का वायर जोड़ते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड फटाफट से मैं पहले इतना कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं ये VCC है रेड वाला, ये वाला ग्राउंड, एक इनेबल, तो मैंने VCC 12 वोल्ट जो है यहाँ से दे दिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और साथ ही साथ फ्रेंड मैं इसमें ग्राउंड जो है ग्राउंड भी कनेक्ट कर लिया हूँ, यानी 12 वोल्ट मैं इसको दे दिया हूँ, क्योंकि 12 वोल्ट हमारे यहाँ से इन हो रहा था।
अगर इस अडाप्टर में हमारा 19 वोल्ट इन होता तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 19 वोल्ट भी ये हमारा ये जो कार्ड है ये ले लेता है, ठीक है, 12 से 19 वोल्ट तक, 18 वोल्ट 19 वोल्ट तक। उसके बाद इनेबल, इनेबल के लिए फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर एक मॉस्फेट लगाया गया था, आप देख रहे हैं, थोड़ा जूम करेंगे भैया। हाँ, ये हमारा ड्रेन है, ये हमारा गेट है, ये हमारा सोर्स है। सोर्स जो होता है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ड्रेन में 12 वोल्ट आता है यानी जितना हमारा सप्लाई है, ठीक है। एक जो गेट होता है वही हमारा इनेबल सिग्नल होता है, ठीक है। अब मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ क्योंकि इसमें हमारा बैकलाइट ड्राइवर में वोल्टेज हमारा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, ठीक है। मीटर में भी ध्यान देंगे आप, ये देख सकते हैं मैं इसको लगा रहा हूँ, ये हमारा कनेक्ट हो गया है। अब मैं इसको हाई वोल्ट चेक करता हूँ, हमारा हाई वोल्ट आया कि नहीं आया है, आप देख सकते हैं मीटर में, ये देख सकते हैं फ्रेंड 124 वोल्ट हमारा हाई वोल्ट एकदम बन गया है, ठीक है। तो फ्रेंड अब 100% हमारा बैकलाइट ऑन हो जाएगा। फ्रेंड मैं एक बात बता दूँ, मेरे पास ये स्ट्रिप केबल नहीं है जो बैकलाइट में फिट होने वाला है, तो फ्रेंड मैं वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड हमारा हाई वोल्ट बन गया, इसका मतलब 100% हमारा बैकलाइट ऑन हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड।